गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस स्किल्स अच्छा एकेडमी में। मेरे पास काफी क्वेश्चंस आ रहे थे कि मेंस के जो फॉर्म भरने जो लोग जा रहे हैं उनमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसको चाहोगे तो जो फॉर्म भरने वाले व्यक्ति हैं वो आपके फॉर्म को बड़ी आसानी से भर देंगे। पर फिर भी ठीक है, मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो आपके लिए बनाना पड़ रहा है जिसमें मेंस में किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप मेंस का जो फॉर्म है आप सबको पता है, वेबसाइट पे एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके या किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे जो एमपी ऑनलाइन है वहां पर जाके आप एक फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे देते हैं, पर कई लोग जो यहाँ से मतलब एमपी से बाहर हैं, जैसे कुछ लोग रिक्वेस्ट मेरे पास आई वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि सर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है। अब मुझे ऐसा कोई इश्यू समझ में नहीं आया, बट फिर भी आप लोगों के क्लेरिफिकेशन के लिए मैं एक बार सारी चीजें आपको बताए देता हूं ताकि आप उसका ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप जो याद रखें, जो हमारा प्री का रिजल्ट आया है चाहे वो स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम का हो और चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज का है, दोनों में से कोई भी हो, इन दोनों में एक बात कॉमन ही है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अब स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के भी मेंस का फॉर्म 10 तारीख के बाद में भरना शुरू हो जाएगा, तो आप उसको भी इसी तर्ज पर भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने पूछा हुआ है। आपको पता है डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कोई भी अपने 10th या 12th की मार्कशीट को वहां पर सबमिट करते हैं। हालांकि जब आप डॉक्यूमेंटेशन देंगे तो वहां पर कई ऐसे डॉक्यूमेंट आप देंगे जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाएगी, तो इसके बारे में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगेन क्वालिफिकेशन में आप 10th 12th आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है, तीनों साल की मार्कशीट प्लस जो आपकी डिग्री आई हुई है वो, इसको आप लें और इसकी फोटोकॉपी की स्कैन कॉपी कराएं या रियल ही आप अपलोड करें वो भी अच्छा रहेगा। आप रियल आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन है उनको आप जाएं सीधे सीधे आप स्कैन कराएं और स्कैन करने के साथ में आप उनको सत्यापित करें सेल्फ। तो जैसे आपकी रियल मार्कशीट होगी तो उसको तो आप सत्यापित नहीं कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसकी फोटोकॉपी ही स्कैन करके लगानी पड़ेगी। तो सत्यापित करना होता है यानी आप अपने सिग्नेचर से प्रूफ करोगे वहां पर कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन आप दे रहे हो वो सही है। ठीक है, पहले इसको हमें गजेटेड ऑफिसर के थ्रू कराना पड़ता था, बट मोदी सरकार ने इसमें चेंजेस किया है कि अब आप सेल्फ अटेस्ट भी उसको कर सकते हैं, तो ये भी आपको पता होगा। तो सारी की सारी डिग्रीज आपको वहां पर अपलोड करनी है, स्कैन कॉपी अपनी सारी की सारी, और याद रखें जितनी भी आप वो डॉक्यूमेंटेशन वहां पर अपलोड कर रहे हैं आप जो अपनी क्वालिफिकेशन वहां पर दिखाना चाहते हैं उतनी ही मार्कशीट वहां पर शो करें। और जब आप उनको अपलोड करें तो सेम सारी चीजों को, जितने भी डॉक्यूमेंट अभी मैं आपको बताऊंगा, उन सारी को आप एक फाइल बनाते चले, क्योंकि ये जो फाइल है इंटरव्यू के टाइम पे सेम डॉक्यूमेंट्स आपके आयोग के पास में होंगे, तो सेम टू सेम डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा। तो आज से ही अगर आप इंटरव्यू देने की तैयारी कर ले, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस वक्त आपको फिर से इस चीज के लिए प्रॉब्लम ना हो, तो आप ऐसा करें जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उनकी एक कॉपी जो अटेस्टेड आपने की है, सेम टू सेम कॉपी आप अपने पास में फाइल में अपने पास में रखते जाए। ठीक है, जिन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, जनरल के अलावा जो रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड करें अपना कि आप किस कास्ट से हैं, इसके लिए जो भी सर्टिफिकेट आपका बनता है आप सबके पास में होगा, बहुत सारे एग्जाम आपने दिए हैं तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी निशक्तजन जो हमारे हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, तो अगर वो इस कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं तो उनको अपने डॉक्यूमेंटेटेड जो सर्टिफिकेट है उनको मेडिकल बोर्ड की तरफ से, जहां से भी आपको सरकार की तरफ से बनता है, आप वो सरकारी दस्तावेज वहां पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आपका होता है आधार कार्ड, ये इन्होंने न्यूली एड किया है, अब आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी भी अटेस्ट करके अपलोड करनी है। आधार कार्ड ही एक प्रकार से कहा जाए तो आपका डीओबी वेरिफिकेशन में भी काम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन आ जाएगा। एक और ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा जिसमें आपको बैंक पासबुक अपलोड करनी पड़ेगी, ये बैंक पासबुक उन लोगों के लिए है जो एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं, जनरल वालों के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो भी आप लोग हैं ये आप इस डॉक्यूमेंट इस पासबुक को जो उसका फ्रंट पेज है जिसमें आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी नंबर सो होता है, अकाउंट नंबर होता है आईएफएससी नंबर होता है, उस फ्रंट पेज की कॉपी आप स्कैन करके अटेस्ट करके अपलोड करें। ये जो तीन चीजें जो मैंने ग्रीन की हुई है ये अभी इस बार थोड़ा सा न्यूली तरीके से ऐड की हुई है। ठीक है, यहां पे मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि जैसे कि मैंने जब इसकी नोटिफिकेशन को देख रहा था मैं सिविल सर्विस एसएससी के लिए, वहां पे मूल निवासी का जो प्रमाण पत्र है वो नहीं लगाया गया है, नहीं बताया गया है, लेकिन स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज में बताया गया है। तो मैं यहां पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेंस का फॉर्म देने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए वो भी अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र एक बार सबमिट कर दे, वहां पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप वो उसको अपलोड कर दे मूल निवासी सर्टिफिकेट जो आपका है वो अपलोड कर दे। और एसएफएस में तो आपका जो आपका स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है उसमें तो मांगा ही गया है।
कोई भी अगर भूतपूर्व सैनिक है तो अपने भूतपूर्व सैनिक की जो भी आपकी सर्टिफिकेशन या जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है वो आपको वहां पर सबमिट करना है। अब नाउ आते हैं उन पॉइंट्स पे जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। एक आपसे मांगा गया है जॉब सर्टिफिकेट। देखिए आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो इसलिए ऐसा आपसे पहली बार मांगा गया है। जैसे कि मैं प्राइवेट जॉब करके आया हूं तो जब भी मैं इंटरव्यू में जाता था तो मुझसे मेरी पहली जिसके पहले मैंने जिस कंपनी में काम किया है उस कंपनी की तरफ से जो मुझे ऑफर लेटर मिलता है, यानी जब आप अपनी सरकारी जॉब में आए होंगे तो उस वक्त आपको एक आदेश प्राप्त हुआ होगा, उस आदेश की कॉपी आपके जॉब सर्टिफिकेट के रूप में काम करेगी कि आप ये जॉब कर रहे हैं। तो आपको वो डॉक्यूमेंट में अटेस्ट करके सबमिट करना है अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो। साथ में अगर आपके पास में नहीं है तो आप अपने डिपार्टमेंट में जाकर अपने डिपार्टमेंटल हेड से एक लेटर हेड पर वो सब लिखवा के ले सकते हैं। वैसे जब भी आपने कोई जॉब ज्वाइन की होगी उस वक्त आपके पास में एक आदेश पत्र आया होगा और आदेश पत्र को आप जॉब सर्टिफिकेट के रूप में यूज कर सकते हैं, अटेस्ट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा भी एक मुश्किलात पैदा कर दी है एमपीपीएससी ने, वो आपसे मांगा जा रहा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। आप जिस भी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं उस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करें और वहां से आप एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें कि कोई भी आपत्ति वहां पर हिंदी में लिखा हो अनापत्ति, यानी कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप मेंस देने के लिए जा रहे हो। ऐसा डालने के पीछे जो एक रीजन है, अभी आपने देखा होगा जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक नोटिस इश्यू किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कांस्टेबल हो एसआई हो कोई भी पद पर अगर होना है तो अगर वो किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो भले वो एक साल के लिए वेट कर ले, ट्रेनिंग में ना जाए, लिखित में दे दे, वो एक साल वेट रहे उसकी जॉब रहेगी उसके पास में। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग में आ जाते हो फिर आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपके ऊपर आदेशात्मक कार्रवाई हो सकती है। ऐसा करने के पीछे जो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य है वो यह उद्देश्य है कि अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही एक जॉब किसी को मिलती है तो वो उस जॉब में रहता है, दूसरी जॉब मिलती है तो जॉब छोड़ देता है। इस तरीके से क्या होता है, वैकेंसीज खाली होती जाती हैं और बार बार सेम चीज के लिए उन्हें फुलफिलमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए एमपीपीएससी ने भी शायद पहली बार कदम उठाया है कि आपको अपने डिपार्टमेंट से एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा आपके वरिष्ठ अधिकारियों से जिसमें यह लिखा होना आवश्यक है कि आपके डिपार्टमेंट को आपके द्वारा दी जा रही मेंस परीक्षा से कोई भी परेशानी नहीं है और आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके अधिकारी इसके लिए रोके या बाद में आपको रिलीज ना करें, इसलिए पहले से सर्टिफिकेट मांगा गया है। अदर डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगे गए हैं। अदर डॉक्यूमेंट में एक बहुत बार मुझसे लोगों ने पूछा कि सर कोर्ट केस के बारे में क्या है। देखिए कोर्ट केस या और जो आपके पास में ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपके आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसका कोई क्रिमिनल केस कभी उसके ऊपर हुआ था वह उसमें मुक्त हो चुका है और वो किसी भी कारण उसके पास था तो उसको उसके लिए जॉब जो आपका कोर्ट से एक आदेश पत्र होता है या जो उसका रिलीज होता है वो सब उसको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेंगे कि हाँ ये केस था और इस केस को इस तरीके से सुलझा दिया गया है। ये आपको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा बाद में, अगर आप अभी सबमिट नहीं करेंगे तो बाद में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर ऐसा पाया गया कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी आपके ऊपर थी तो आप अपनी जॉब से हाथ भी धो सकते हैं। तो अगर आप में से किसी के ऊपर भी कोई केस कभी रहा है प्लीज उसको कोर्ट से सर्टिफाई करके कि आप कोई भी ऐसा आरोप अब आपके ऊपर नहीं है, आप उसमें बरी हो चुके हैं, वो आप सबमिट जरूर करें। ये बहुत कम लोगों के लिए ही है लेकिन होता है। तो इस तरीके से इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने हैं। देखिए साथ में आप इसी डॉक्यूमेंट्स को साथ में मैंने आपसे कहा कि एक इसकी फाइल तैयार करते चले और फाइल तैयार करने के साथ में सारी चीजें लिखते चले। अगर गलती से आपसे इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है, हालांकि मैंने फॉर्म अभी नहीं फिल किया है, लेकिन अगर एक मिनट के लिए इंटरेस्ट में तो आप इंटरेस्ट में वही चीज डालें जो बाकी आपके बीच। खैर वो इंटरव्यू के टाइम पे मैं आपको दोबारा सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और स्टेट सिविल सर्विसेज दोनों के ही मैं आपके जो डॉक्यूमेंट है मैं रिपीट कर देता हूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें आधार कार्ड मार्कशीट काम कर सकती है, आपके सारे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्त जन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एससी एसटी और ओबीसी के लिए, जॉब सर्टिफिकेट केवल सरकारी अधिकारियों के लिए है, एनओसी भी केवल सरकारी अधिकारियों के लिए है, और अदर्स अगर कोई क्रिमिनल केस या कोई ऐसी बात है जो आप सरकार से छिपा रहे हैं वो आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आ सकते हैं। तो यहां पर आप उसको सत्यापित करके प्रमाणित कर उसको अपलोड करें उस सर्टिफिकेट को। और यहां पर जो अपना है भूतपूर्व सैनिक और मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये भी आपको स्टेट फॉरेस्ट में अपडेट करना है। हालांकि मूल निवासी प्रमाण पत्र आप देख लीजिएगा, आप दोनों में अपलोड कर दीजिए, भले आपका एसएससी जो आपका सिविल सर्विस वाले उसमें नहीं दिया गया पर उसमें अपलोड कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा।
इसके बाद में आपका है, अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस बच रहे हैं तो आप मुझे बताइए। देखिए मैं एथिक्स का कोर्स लगभग खत्म हो चुका है, अब केवल थिंकर्स बचे हैं। 3-4 वीडियो हैं जो मैं बना चुका हूं, मुझे सिर्फ अपलोड करना है, जिसमें आपके भ्रष्टाचार के ऊपर 2 या 3 वीडियो रहे हैं केवल आपके, और 3 वीडियो आपके लास्ट जो आपकी 5वीं यूनिट है उससे बचे हुए हैं, तो लगभग आपका खत्म हो चुका है। और थिंकर्स में कल से मोस्ट प्रॉब्ली शुरू कर दूंगा, एथिक्स का कोर्स लगभग आपका खत्म होने के लिए जा रहा है। तो जो लोग मुझसे सवाल करते हैं सर हिंदी कब स्टार्ट करेंगे, ऐसे कब स्टार्ट करेंगे, देखिए मैं कुछ दिनों से स्वास्थ्य की वजह से भी परेशान हूं, और दूसरा जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है वो इन्फॉर्मेशन मैं बहुत सोच समझ के देता हूं, ताकि कहीं भी मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए गलत ना हो। तो आप थोड़ा सा सब्र करें, जैसे जैसे मेरी हेल्थ ठीक हो रही है वैसे वैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके पूरा अपलोड करूंगा। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, जिन क्वेरीज को मैं सॉल्व नहीं कर पाया, तो मैंने आज डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं क्वेरीज को खत्म करूंगा। आज या कल मेरे वीडियोस अपलोड होंगे जिसमें क्वेरीज क्या है आपकी। पहला है आपका कि आखिर मेंस की कॉपी का फॉर्मेट कैसा होता है, उसमें हमें कैसे लिखना है। मैं आपको एक बिल्कुल फॉर्मेटेड कॉपी भी प्रोवाइड कराऊंगा अपने गूगल ड्राइव के थ्रू, वहां पर आप देख सकेंगे, और साथ में कैसे हमें लिखना है, कितने पेजेस होते हैं, कितने लास्ट के पेपर में कितने पेज होते हैं, पहले में कितने पेजेस होते हैं, क्या हमें सावधानियां बरतनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा वीडियो नंबर 2 में, जो अभी आपका क्वेरी से रिलेटेड आएगा। और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि मेंस की कॉपी का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से आपको लिखना है, कैसे आपको क्या करना है, ये सारी बातें आपके उस वीडियो में हो जाएंगी। तीसरा वीडियो जो मैं आपकी क्वेरीज के ऊपर बनाऊंगा वो है हाउ टू राइट आंसर्स। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू राइट 3 मार्क्स आंसर, 3 नंबर का आंसर कैसे लिखें, 6 नंबर का आंसर कैसे लिखें, 15 नंबर का आंसर कैसे लिखें, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, और जिसमें मैं 3, 6 और आपका 15 नंबर के आंसर्स को जो है बिल्कुल एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको इजी रहे कि आप किस तरीके से वहां पर आंसर लिख सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझसे बहुत बार पूछी गई है और मैं माफी चाहूंगा मैंने अब तक अपलोड नहीं की है, अब हालांकि इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आ चुकी है, सिविल सर्विस का जो फॉरेस्ट का एग्जाम है आपका, उसके लिए जो आपकी वोकलिस्ट है वो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा। आप लोग ये मत पूछे कब, क्योंकि कब बोल देता हूं वो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं, ठीक है। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके पास में अपलोड कर दूंगा। तो मेंस के फॉर्म भरने से कोई बड़ी बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट था वो इस वीडियो से क्लियर हो चुका होगा। अगर अब भी कोई आपका डाउट बचता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आप साथ रहें। आज लगभग 2600 सब्सक्राइबर मैं क्रॉस कर चुका हूं एक महीने कुछ दिनों के समय में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। अभी भी मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप लोग मेरे साथ 2600 लोग हैं, अगर आप में से हर व्यक्ति केवल 10 लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहे, तो मुझे 26,000 तक पहुंचने में कोई टाइम लेगा। अब आप कहेंगे सर आप तो बहुत स्वार्थी हो रहे हो, आप 26,000 लोगों तक पहुंचना चाह रहे हो। एक्चुअली मैं ये चाहता हूं कि जो भी लोग दूर दराज बैठे हुए हैं, जिन तक किसी कारणवश ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, अगर आप बोलेंगे, आप अगर शेयर करेंगे तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से गरीब और निःशक्त से निःशक्त जिनके पास में वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे जो एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी बच्चे को मिल पाती है, ताकि वो लोग भी आपकी बराबरी में खड़े होकर तैयारी कर सके। मेरा एक प्रयास है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आप लोग छोटी सी मेहनत कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे वीडियो शेयर करने लगे हैं, कुछ लोगों से और रिक्वेस्ट करता हूं आप वीडियो शेयर करें, और उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होंगे हर किसी के पास में, अगर आप वहां पर शेयर करें और अपने 10-10 दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोले, तो बहुत बड़ी टीम हम तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो ही आप ऐसा करें, अदरवाइज जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच। और कोई आपके डाउट्स आप क्वेश्चन देते रहिए, मैं वेडनेसडे और संडे ऐसा कोई दिन बनाऊंगा, एक फिक्स करूंगा, जहां पे जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सिर्फ आपकी क्वेरीज से रिलेटेड वीडियोस होंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, हेल्थ की वजह से मैं परेशान हूं थोड़ा सा, बट ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। थैंक यू सो मच।